यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चार सालों के कार्यकाल में तीसरी बार नेपाल दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी इस बार पौराणिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने गए हैं। उनके इस दौरे से हिंदू राष्ट्र नेपाल और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत के बीच पौराणिक रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही सीता के मायके से ससुराल तक चलने वाली बस हिंदुओं को हिंदुत्व की भावना से जोड़ेगी और एक ऐसा एजेंडा सेट होगा कि हो सकता है कि हिंदुत्व के नाम पर ही देश में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। त्रेता युग में सीता की टोली उठी तो स्वयंवर के जरिए नेपाल और भारत में रिश्ता मायके ससुराल का हो गया। ये रिश्ता युगों पुराना है लेकिन रिश्ते की मजबूती अब और बढ़ने लगी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक ऐसी बस सेवा का शुभारंभ किया है जो सीधे सीता के मायके जनकपुर से सीता के ससुराल यूपी के अयोध्या तक चलेगी। मतलब इस बस नीति से पौराणिक रिश्तों की यादें ताज़ा होंगी, साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों की भूली बिसरी यादें भी ताज़ा होंगी। पुरानी यादों को समेटे जब बस जनकपुर से चलेगी तो यूपी के अयोध्या में खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बस से आए यात्रियों का स्वागत करेंगे। मतलब एक तरफ पीएम मोदी और नेपाल के पीएम हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करेंगे तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नेपाल से अयोध्या आने वाले यात्रियों का स्वागत कर अतिथि देवो भव और राम के नाम पर सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडे को बल देंगे। खैर, इन बातों से इधर अच्छी बात ये है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जनकपुरी मंदिर में जाकर षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की और फिर खुद को सौभाग्यशाली बताया। मेरा सौभाग्य है कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये भी ऐतिहासिक पल है कि नेपाल के आदरणीय प्रधानमंत्री और मेरे भाई साहब आदरणीय कोहली जी स्वयं काठमांडू से यहाँ आए, मेरा स्वागत सम्मान किया और माता जानकी के दर्शन के लिए उत्तम प्रबंध किया। वैसे इन बातों से इतर मुद्दा ये भी है कि 2019 का चुनाव आने वाला है तो बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस देश में राम के नाम पर अब तक पार्टियां राजनीति कर रही हो उस देश में नेपाल से बस सेवा का शुभारंभ कर हिंदुत्व की भावना को बल देने का काम किया जाएगा। और भारत ही नहीं बल्कि नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र में जहां मधेसियों के आंदोलन ने भारत के खिलाफ माहौल बना दिया था, जहां चीन अपनी धाक जमाने की कोशिश में है और जहां के प्रधानमंत्री को नोट बदलवाने की उम्मीद में भारत आना पड़ा हो, वहां की सरकार की नाराजगी दूर करने की भी ये एक अच्छी पहल हो सकती है। वैसे राम मंदिर के नाम पर सियासत करने वालों के लिए ये शुरुआत अच्छी है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।